एक्टर पद्मावत को लेकर करनी सेना और राजपूत समाज के विद्रोह के बावजूद दर्शकों का फिल्म को लेकर उत्साह कम नहीं हो पाया। आज फिल्म के रिलीज होते ही सिनेमाघरों में फिल्म को देखने वालों का तांता लगा रहा। सिरसा के OHM सीने गार्डन में फिल्म पद्मावत लगाई गई, जिसे देखने काफी संख्या में लोग आए। फिल्म का फर्स्ट शो देखने वालों ने बताया कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर इतना विवाद किया जा रहा था। नहीं, विरोध वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, फिल्म के अंदर ऐसा कुछ कंटेंट है ही नहीं। अब तो फिल्म चल भी चुकी है, कल हिसार भी चल चुकी है, दो शो हिसार चल चुके हैं, कम 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और हम लोगों की भी फिल्म आधी से ज़्यादा निकल चुकी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, एक सिंगल सीन ऐसा नहीं है कि जिसको विरोध करने लायक कोई चीज़ हो। वो एक मुझे लगता है कुछ ना कुछ कहीं किसी तरीके से शायद राजनीति हो रही होगी, लेकिन फिल्म के अंदर जहाँ तक राजपूतान वाली बात है उसमें राजपूतों की शान ही दिखाई गई है, ना कि उनकी कोई किसी प्रकार की बेइज्जती या किसी प्रकार का और काम किया गया। बहुत ज़्यादा क्रेज है फिल्म देखने लिए, काफ़ी दिनों से वक्त है और आज देखने को, आज रिलीज हुई है तो आज आए देखने। विरोध से क्या फर्क पड़ना है, हमें तो फिल्म देखनी थी, वो हम देखेंगे। आपको लगता है कि कुछ इस तरह का है जिसको लेकर कुछ? मुझे तो कुछ नहीं लगता ऐसे, ये जातिवाद है कि ये राजपूत है ये ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी हमें तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं, हम तो फिल्म देखेंगे। देश और प्रदेश में फिल्म के विरोध को देखते हुए सिरसा प्रशासन ने विरोध का अंदेशा होने के चलते OHM सिने गार्डन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिने गार्डन में पुलिस ने 3 कंपनियों को तैनात किया है और पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। सिरसा में घना कोहरा होने के बावजूद दर्शकों का उत्साह देखने को मिला। वहीं पुलिस फिल्म देखने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर तलाशी भी कर रही है। सिनेमाघर के मालिक ने पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने बिना कहे ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं फिल्म के बारे में उनका कहना था कि फिल्म में राजपूतों की आन बान शान को ही दिखाया गया है। हिंद एक्सप्रेस के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।